अश्विनी जी, वो तस्वीर तो आपने देखी होगी ना, जिसमें छत पर जाकर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाया। इस धर्म की लड़ाई को बढ़ावा कौन देता है, ये भी देखने की जरूरत है। रचना जी, एक 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 30 सेकंड का समय दीजिएगा। मैं ये कहता हूँ किसी धर्म का सम्मान होना चाहिए। उस लड़के ने गलती की उस झंडे को हटाकर, नहीं तो होता है, लेकिन जानबूझकर ऐसा होता है। जानते हैं अश्विनी जी, अगर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो जरूर उन तस्वीरों को देखा जाना चाहिए। जब जानबूझकर मंदिर के आगे से अगर मुस्लिमों की कोई यात्रा निकले तो एक्स्ट्रा शोर होता है, अगर मस्जिद के आगे से कोई यात्रा निकले तो एक्स्ट्रा शोर होता है। ये जानबूझकर एक दूसरे को उकसाने के लिए भी होता है, ये जानबूझकर प्रोवोक करने के लिए होता है, ये भी देखना चाहिए आपको। एकदम नहीं रचना जी, आप बता दीजिए कि एक मुस्लिम धर्म धार्मिक यात्रा पर हिंदुओं ने कहीं पत्थरबाजी की हो। अश्विनी जी क्या बात कर रहे हैं, मैंने दोनों मैं भेदभाव नहीं करती अश्विनी जी, मैंने दोनों का नाम लिया और मैंने दोनों तस्वीरें बहुत देखी है। सोशल मीडिया हर कोई इस्तेमाल करता है, वो तो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना या बरगलाना या बांटना नहीं है, इसलिए वो वीडियोस हम टीवी पर उतारते नहीं है। मैंने एक सवाल यही पूछा कि आप बताइए, उसने अगर वो धार्मिक झंडा उतार दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, तो उसकी सजा उसकी मौत होती, गोली मारना चाहिए। मैं कह रही हूँ धार्मिक भावनाओं को भड़काना गलत, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना गलत। मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रही, मैं उन्हें भी सही नहीं कह रही जिन्होंने ऐसा किया, उन्हें भी नहीं कह रही जिन्होंने गोली मार दी। ये कानून का काम है, ये आपका काम है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आप जांच बिठाइए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन हो। यहाँ पिक एंड चूज सहूलियत से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन हो। रचना जी थोड़ा मेरी बात भी आने दीजिए, मैं इसमें जो है आप अगर सवाल उठाए और सरकार की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूँ तो मुझे देखिए, अगर वहां पर मैं कहता हूँ कि किसी भी सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, अपमान किसी धर्म का नहीं होना चाहिए। अगर माँ दुर्गे का के ऊपर जो है पत्थर चलाया गया और माँ दुर्गे का हाथ टूट गया तो ये हमारे सनातन का अपमान है कि नहीं है? क्या पुलिस को नहीं पता था कि जब धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो ऐसे बवाल की संभावना है? मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी नहीं हुई है मेरी बात। वो लड़का अगर उस प्रतिक्रिया में चलकर झंडा उतार दिया, उसको नहीं करना चाहिए था, तो क्या गोली मार देना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मुस्लिम संप्रदाय के प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ भी कोई कह देता है हिंदू संप्रदाय का, तो उसका सर तन से जुदा कर देना, वो सजा हो सकती है। उसने झंडा उतार दिया, उसको गोली मार दी जाती है, जो माँ दुर्गा के हाथ टूटने पर और गाना बजाने पर होता है, और आप कह रही हैं कि आज हिंदुओं की गलती है? मैं ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जिहादियों की। आपने शायद मेरी बात ठीक से सुनी नहीं अश्विनी जी। अश्विनी जी अगर बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं तो अपनी सहूलियत से आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, धार्मिक भावनाएं कौन भड़का रहा है उस पर ध्यान रखिए। अगर धार्मिक माहौल में इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, पुलिस को इंतजाम पहले से करने चाहिए थे, और वो किसी भी धर्म का शख्स हो, किसी भी धर्म का शख्स हो, अगर वो कानून हाथ में लेता है तो नापिए उसे, भेजिए जेल, और जो कानून की सजा होती है वो दीजिए। मैंने किसी की साइड नहीं ली, मैंने कहा जो धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है, जो धर्म के नाम पर उकसा रहा है, उन पर ध्यान दीजिए, माहौल वही लोग खराब करते हैं। अश्विनी जी, चूंकि मिलावट की ये पूरी बात है इसलिए फिर से टॉपिक पर लौटना होगा। मयंक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी MY समीकरण पर चलती है, मुस्लिम और यादव वोट बैंक आपका बड़ा क्लोज और अपना माना जाता है, ऐसी तमाम तस्वीरें हमने देखी जहां पर ढाबे पर जो रोटी बनाई जाती है तंदूरी, वहां थूका जाता है। क्या आपने ये जानने समझने की कोशिश नहीं की कभी मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने एक बात कही कि जो इस प्रकार की बातें हुई, चाहे थूकने की हो, चाहे पेशाब मिलाने की हो, चाहे बताशे में किसी के द्वारा करने की हो, जितनी भी बातें हुई, आपने भी बताया, मैं भी बताता हूँ, इसमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये एक प्रकार की मानसिक विकृतता है जो किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के अंदर हो सकती है। ऐसे ही बलात्कार है, इसको जाति धर्म से जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। और जो एक भी तस्वीर मैंने देखी उसमें बताना चाहता हूँ, मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें कोई मुस्लिम समाज के धर्म गुरु फूंक रहे थे, तो मैंने उसमें एक बार किसी व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने बताया कि दुआ पढ़ के फूंक मारी जाती है, जो खाना होता है पूरा लंगर होता है, और लंगर पूरा मुस्लिम समाज के लिए ही होता है, उसमें कोई हिंदू समाज का व्यक्ति थोड़ी ना होता है। तो तस्वीरों को मोल्ड करके और कहानी बनाना भी भाजपा का IT सेल का बहुत बड़ा काम है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रसाद में चर्बी मिलाई गई, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में 70%, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 70% जो देसी घी के नाम पे बिक रहा है, 70% के आसपास उसमें चर्बी मिलाई जा रही है, क्योंकि इतना दूध का प्रोडक्शन ही नहीं है जितनी चर्बी, जितना घी बनाया जाता है, इतनी दूध का प्रोडक्शन ही नहीं जितनी क्रीम बना दी जाती है। अभी दीपावली आ रही है, ये समय तो सबसे अच्छा है, इसमें
हर दूसरे दिन आप बड़ी बड़ी खबरें पढ़ेंगे कि मावा खोया पकड़ा गया नकली, क्योंकि इतना प्रोडक्शन ही नहीं है दूध का कि एकदम से लाखों किलो खोया कहीं से बन जाए। तो मिलावट गलत है, मिलावट को सभी धर्मों ने भी गलत कहा है। इस्लाम धर्म में मिलावट के खिलाफ है, हिंदू धर्म में भी मिलावट के खिलाफ है, गुरबाणी में भी मिलावट के खिलाफ बताया गया है। तो थोड़ा सा धर्म का चश्मा उतार के अगर भाजपा देखे तो हमारा इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है दिवाली, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। नया कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जो कानून पहले से है अगर उसे ठीक से लागू भी कर दे तो मुझे लगता है कि देश को प्रदेश को कुछ अच्छा मिल जाएगा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ लोगों की भावनाओं के साथ एक इंसाफ हो सकेगा। और एक बात मैं छोटी सी कहना चाहता हूं कि जिस पैमाने पर अश्विनी शाही जी और भाजपा के लोग बात करते हैं और जिस मानसिकता के तहत बात करते हैं, ये कौन तय करेगा कि जिस गेहूं की रोटी बनी है वो श्याम लाल के वहां बनी है कि किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के वहां बनी है, उसकी पिसाई किस चक्की पे हुई है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग किसने करी है, किस गाड़ी से वो गोडाउन तक आया, किस गाड़ी से गोडाउन, किसने उसे बेचा और किसने उसे बनाया। ये तो आखिरी कड़ी पकड़ के चल रहे हैं कि हम मुस्लिम समाज के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शामिल है। मगर मुझे लगता है ये बात अश्विनी शाही जी और भाजपा समझ नहीं पा रही है, इसीलिए जिस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं वो हमेशा कहता हूं कि द्वेषपूर्ण राजनीति है और इससे समाज का कभी भला नहीं हो सकता। अब जब धर्म के नाम पर बांटने की बात हो उससे तो समाज का कभी भला होगा ही नहीं। और बीजेपी का तो नारा भी है अश्विनी शाही जी, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ। तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे होगा, सबका विश्वास कैसे जीता जाएगा अगर धर्म के नाम पर बांटने की बात होगी। आपने चर्चा में, मैंने कहा विशेष समुदाय, आपने सीधा कह दिया कि मुस्लिम समुदाय, जबकि अलग अलग धर्म के लोग मिलावट में इन्वॉल्व पाए गए हैं। नहीं देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से इसलिए मुस्लिम समुदाय कहा कि हर जगह जो थूक मिलाकर रोटियां बनाने का या गन्ने में जूस में जो मैंने आपको फलूदा आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको गोलगप्पे का एग्जाम्पल नहीं दिया जहाँ गोलगप्पे के पानी में यूरिन मिलाया गया। रचना जी बोलने नहीं दे रही हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपकी बात में सिर्फ ऐड ऑन कर रही हूं, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब ही दे रहा हूं लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, इसलिए जो है जवाब नहीं जा पा रहा है। मयंक जी के मैं आप नहीं टोक रही, थोड़ा सा मुझे भी 10 सेकंड का समय दे दीजिए। बोलिए बोलिए। अगर हम यह कानून कोई भी ला रहे हैं तो 25 करोड़ जनता के लिए ला रहे हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, मैंने ये पहले भी कहा। दूसरी बात, बार बार ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को थूक और पेशाब के साथ मिला हुआ खाना मुबारक, ये खाए, हम नहीं खाएंगे। हम कानून बनाएंगे और सबके लिए बनाएंगे, कोई भी करेगा त्रुटि तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मयंक जी ने कहा कि जो फूकते हैं, भाई इन लोगों को उन लोगों के साथ बड़ा नजदीकी है, ये जाए खाए वहां, क्या किसी मुस्लिम का हिंदू खाने जाते हैं वहां पे, ठीक है सारा उनका लंगर, जिसको जहां सही लगे वो वहां जाए खाना खाए, लेकिन हाँ कानून आना चाहिए मिलावट और गंदगी के खिलाफ। ये कानून आए ताकि सख्ती से सजा उन मिलावट खोरों के खिलाफ हो जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं। मयंक जी, अश्विनी जी, आप दोनों का शुक्रिया, आपने कीमती समय इंडिया न्यूज को दिया। आपस में बहस मत कीजिए, अगर कानून कोई ऐसा बन रहा है तो उसका सपोर्ट कीजिए। आप दोनों को शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे पाकिस्तान में कैसे हो रहा है जय जय जयशंकर।